हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रितु, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेके। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देखेंगे इससे रेजोनेट कर पाएंगे। आज से एक महीने बाद, दो महीने बाद, छः महीने बाद, एंड आई एम श्योर आपको इससे अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी। अगर आपने पर्सनल पे रीडिंग बुक करनी है तो आप प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी आपको अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी फ्रेंड्स। एंड आप मुझे वहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल पे रीडिंग बुकिंग्स। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, बहुत मैसेजेस आते हैं दिन भर में, तो हम सारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे पाते, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है फॉर रीडिंग्स, ओके। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को इतना लाइक करने के लिए। एंड आई एम रियली ग्लैड कि वो आप सबसे इतनी रेजोनेट होती है, आपके सिचुएशन से इतनी रेजोनेट होती हैं। थैंक यू सो मच, आगे भी ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए ताकि मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ एंड आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। जस्ट गिव मी वन सेकेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेके। इंट्यूटिव कार्ड निकालूंगी मैं, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड, द मजीशियन, एट ऑफ स्वॉर्ड। बहुत दर्द में है आपके पार्टनर, बहुत दर्द में। The Devil, the High Priestess, Seven of Pentacles, the World, and bottom of the deck है Page of Sword, Justice। देखिए, आपके person आपको बहुत बहुत stalk कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से कर रहे हैं, आपको पता होगा। हर एक सिचुएशन अलग है यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्लियर देख पा रही हूँ कि आप लोगों का या तो सेपरेशन फेज चल रहा है, या नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, या फिर लेस कॉन्टैक्ट जोन है, या फिर कम बातचीत हो रही है। देखिए हालत, देखिए आपके पर्सन की कैसे हैं, बिल्कुल बेचारे टाइप, बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। गम है अंदर अंदर, अपने अंदर बहुत सारा सौरव भर के रखा है आपके पर्सन ने। आई एम क्लियर बता दूं, इस समय आपके पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड मे भी ये जो रीजन है, द डेविल का एनर्जी, डेविल एक एक, एक डेविल एक कुछ मंत्रों का यूज किया जा सकता है इनके आंखें ब्लाइंड फोल्ड करने के लिए, कि इनको ना दिखे। आपके पर्सन बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, बहुत बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि शायद मैजिक का यूज़ किया गया है आपके पर्सन को ब्लाइंड फोल्ड करने के लिए, कि आपके पर्सन को कुछ ना दिखे, ठीक है, वो आपके पास ना आए। ऐसा यूजुअली कब होता है, जब या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या फिर सोलमेट कनेक्शन हो, तब होता है यूजुअली ऐसा, ठीक है। एंड क्योंकि जहाँ पे हम लोग डिवाइन मास्कुलिन की बात करें, डिवाइन फेमिनिन की बात करें, जहाँ डिवाइन शब्द आ रहा है मैस्कुलिन फेमिनाइन के साथ, तो डेफिनेटली दे आर दी प्योर सोल। इनका मिलन इतना आसान नहीं है, दुनिया बहुत रोकती है, डिवाइन बहुत रोकती है। तो यहाँ पे भी देखिए, कुछ ना कुछ जो थर्ड पार्टी है, कंट्रोलिंग नेचर है, जिनके साथ भी वो फंसे हुए हैं, उन्होंने ब्लाइंड फोल्ड करके रखा है कि ये आपको देखे ही ना। बहुत ये इनको समझ में तो सब आ रहा है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये आपकी तरफ बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं। बढ़ेंगे जब डिवाइन चाहेंगे। हालत देखिए, बिल्कुल ये आपके पर्सन के मन में चल रहा है। आपके पर्सन ने आपसे चीज़ें छुपाई हैं, आपके पर्सन ने आपसे चीज़ें छुपाई हैं, आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोले हैं और आपको दुख दिया है। आपके पर्सन को पता है थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, बहुत ही वाइज हो, बहुत ही ब्यूटिफुल हो, इमोशंस बहुत अच्छे हैं, सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे हैं आपके, बैलेंस्ड हो आप। यस, आपके पर्सन को पता है कि आप उनकी डिवाइन फेमिनाइन हो एंड वो आपके डिवाइन मास्कुलिन है, ठीक है। आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। डिले दिख रहा है, डिले दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डिले दिख रहा है। और
डिले देखिए, आप में से जिसको भी आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर सोलमेट जर्नी में हो, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप हो तो पिछले जन्म से, मतलब इट्स ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट जर्नी इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस कि तुरंत शादी हो जाए या सब कुछ हो जाए। जहाँ पे मैं DMDF की बात कर रही हूँ, तो डिवाइन आप कैसे बनोगे, आपका दिल प्योर कैसे होगा, आसानी से नहीं होगा। बहुत डिफिकल्ट जर्नी होती है डिवाइन मैस्कुलिन्स की, डिवाइन फेमिनाइन की। डिवाइन इतने ट्रिगर्स देती है, इतने पेन देती है उसकी लाइफ में, कि वो इतने पेन ले लेके ना उनका उनका जो हार्ट चक्रा होता है इतना इतना प्योर हो जाता है, इतना ब्यूटीफुल हो जाता है, कि इतना कंपैशन उनके अंदर भर जाता है कि फिर हालांकि सारी जिंदगी में उनके पास नेम फेम पैसा सब आता है, जब राइट टाइम आएगा उनके पास नेम भी आएगा फेम भी आएगा और पैसा इतना आएगा कि लेकिन वो पैसा पूरा का पूरा समाज में लगाएंगे। तो उनका जो पर्पस होता है वो अलग होता है। इन दोनों का मिलन ही होता है धरती में उद्धार करने के लिए, धरती में कुछ अलग करने के लिए। जितने मास्कुलिन्स को बनाया जाता है ना, ये जो समाज ने जो कुछ कुछ चीज़ें बनाई हुई है उनको तोड़ने के लिए, ठीक है, वो तोड़ते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, लोगों का उद्धार करते हैं, तब जाके जो बोलते हैं उनको डिवाइन मास्कुलिन्स एंड डिवाइन फेमिनाइन्स। एंड यही ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो बहुत फेमस हो जाती है आगे जाके, ठीक है। और महादेव का आशीर्वाद रहता है, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहता है, तो पैसा प्रिय रहते हैं ना वो, जितने डिवाइन मैस्कुलेंस रहते हैं भगवान उनसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए मैं आपको बताती रहती हूँ ना, आपको एंजल्स दिखती होंगी या फिर एंजल्स दिखते तो नहीं है, उनके सिंबल्स दिखते होंगे या उनकी फ्रेग्रेंस आते होंगे, इट मीन्स आप वो जर्नी में हो, ठीक है। अपनी जर्नी पे आप काम करते जाइए, डिवाइन आपको ऑटोमेटिकली सारे रास्ते दिखाती जाएंगी और आप चलते जाओगे। सेपरेशन फेज भी बड़े बड़े होते हैं, और ऐसे सेपरेशन होते हैं कि मतलब इंसान रो रो के जब इतना मजबूत बन जाता है कि जब वो सरेंडर कर देगा ना कि अब ऊपर वाला देखेगा मेरे से नहीं हो रहा है, तब जाके चीज़ें उनके फेवर में होती है, ठीक है। हालांकि दिस जर्नी इज रियली वेरी ब्यूटिफुल, और ये जर्नी वही है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपके पर्सन को आप बहुत वाइज लगते हो, बहुत इंटिट्यूटिव लगते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, बहुत उनको ऐसा लगता है कि सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन ना आपके साथ, ये चाहते हैं। आपके पसंद के दिमाग में क्या चल रहा है कि उनको विक्ट्री चाहिए आपके साथ, उनको बहुत उनको आप चाहिए किसी भी कीमत पे, बाय हुक और क्रूक। एंड आपके पर्सन जो है मास्कुलेंस है बहुत ही, इस समय तो बिल्कुल बैलेंस नहीं है वो, इस समय तो बिल्कुल बैलेंस नहीं है उनके अंदर, शायद इसलिए वो आपको इतने ट्रिगर्स दे रहे हैं, इतने दुख दे रहे हैं। वो आपको दुख दे रहे हैं, ऊपर वाले उन्हें दुख दे रहे हैं, हिसाब बराबर हो रहा है, और वो दुख दिए क्यों जा रहे हैं, ताकि आप डिवाइन में कन्वर्ट हो, एक मास्कुलन से डिवाइन मास्कुलन बनो एंड एक फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन बनो, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ ये चाहते हैं, शादी करके सेटल होना चाहते हैं, लेकिन डिले है। ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि डिले है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, काफ़ी पेशेंस रखिए। डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन इतना पेशेंस को, कि डिवाइन रखवाती है ना, तीन तीन चार चार साल का पेशेंस भी वो रखते हैं, और आप तो इतने गम में होते हो कि पता नहीं क्या हो गया, कि अचानक से बातचीत बंद हो गई, ये सेपरेशन क्यों आया, डिवाइन ने कराया। आपके पर्सन को आपकी पर्सनालिटी इतनी मैग्नेटिक लगती है, और यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप में से कई लोग हीलर्स हो सकते हैं, कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत चैरिटी करते हो, जो बहुत मतलब जो जिन जिनके पास वो ताकत हो कि वो यूनिवर्सल एनर्जीज को यूज़ करें अपने फायदे के लिए, लोगों के फायदे के लिए। यस, आप कुछ हीलर हो सकते हो, या मेरे जैसे टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हो जो देख रहे हैं मेरी रीडिंग, या फिर आप डॉक्टर हो सकते हो, डेंटिस्ट हो सकते हो, मैजिशियन हो। मैजिशियन का मतलब क्या है कि जिसको जिसको मैजिक आता हो, जो लोगों की हेल्प करता है अपने मैजिक से, ठीक है। आपके पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है, यू आर अ वेरी वेरी बिग मैजिशियन, एंड आपके पर्सन आपके बगैर बहुत अधूरे हैं। आपके पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि यू आर दी एंटायर वर्ल्ड फॉर योर हैप्पीनेस, ठीक है। अभी लेकिन आपके पर्सन ना अपने आपके पास नहीं आ सकते, क्योंकि ब्लाइंड फोल्ड किए हुए हैं ब्लैक मैजिक के कारण, एंड कार्मिक सिचुएशन में स्टक है। जब तक उनकी कार्मिक साइकिल पूरी नहीं होती, वो आपके पास नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आप अपना काम करते रहिए, आप अपना ग्रोथ करते रहिए, आपको और भी प्रेशर होगा, इससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो, सब डिवाइन पे सरेंडर कर दो, डिवाइन देखेंगे, ठीक है ना। डिवाइन सबको देख रही है ना, अभी तक भी आपको देख रही है, आगे भी देखेंगे। आपने सिर्फ काम करना है अपने ऊपर, अपनी अपनी हीलिंग करनी है, अपने सारे चक्रास की हीलिंग करनी है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। और सबसे आसान तरीका, सबसे सॉरी सबसे डिफिकल्ट तरीका बोलूँ या सबसे आसान तरीका बोलूँ, एक ही है, दैट इज़ मेडिटेशन। जैसे चक्रास आपके ओपन होते जाएंगे, हीलिंग होती जाएंगे, जैसे हीलिंग होगी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। कुछ लोगों का यहाँ पर टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन देख रही हूँ, बहुत स्ट्रांग ड्रीम्स आते होंगे, सपने में दिखते होंगे, सपने में स्नेक दिखते होंगे, या फिर
अलग अलग चीज़ें सबके साथ होती है, अलग अलग एक्सपीरियंस सबके साथ होते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको बहुत बहुत स्टॉक करे, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको जस्टिस दिया ही नहीं है, हालत ही नहीं है ना उनकी जस्टिस देने की। उनकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशन बहुत बहुत टफ है अभी, तो जब हमारी लाइफ में कार्मिक सिचुएशन टफ होती है तो हमारा पहला ध्यान कहाँ रहता है? अपने कार्मिक सिचुएशन से निकलना है, अपने आप को बैलेंस करना है। लेकिन उनको, आप उनकी ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, वो आपको लेके चल रहे हैं, उनके दिमाग में जो भी उनकी फ्यूचर प्लानिंग्स हो रही है ना, वो आपको लेके चल रहे हो। और जो जितने मैस्कुलिन्स होते हैं ना, वो पास्ट के बारे में बहुत कम सोचते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे डेक से देख लेते हैं कि आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके। मेरी रीडिंग्स कभी कभार थोड़ी बड़ी हो जाती है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको उसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो ठीक है। और अभी सेपरेशन फेज तो मासेस में चल रहा है, अगर अभी सेपरेशन फेज से गुजर रहे हो तो इट्स ओके। आपके पर्सन को ट्रस्ट है, जो भी सिचुएशन है, जैसे भी सिचुएशन है, जितने भी स्टक है, जो भी स्टक है, ट्रस्ट है डिवाइन पर। ब्रेक थ्रू बहुत पेन में है, जो मैंने बताया ना, बहुत पेन में। ये हालत बिल्कुल क्लैरिटी, बिल्कुल टैली कर रही है ये दोनों कार्ड्स। बहुत पेन में है आपके पर्सन। लवर्स, ट्विन फ्लेम कार्ड, मैंने आपको बोला था ना, आपकी ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी है, जो इन कार्ड से क्लैरिफाई नहीं हो रहा था, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन को देखा तो समझ में आ गया कि ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी है। एंड यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आ गया है ओशो डेक से कि ये द लवर्स का कार्ड है, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ पता है आपको, यहाँ पे दोनों को पता है कि आप उसके सोल फैमिली के हो, मतलब आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो एक दूसरे के, एडवेंचर। और आपकी जर्नी, आपके पर्सन को पता है ये जर्नी बहुत एडवेंचर होने वाली है, क्योंकि सोलमेट ट्विन फ्लेम मतलब ऊपर वाला जर्नी टफ बनाता है, लेकिन काफ़ी मज़ेदार बनाता है। और आप लोग की जर्नी भी ना आगे बहुत मज़ेदार होने वाली है, एक रोलर कोस्टर की तरह, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मज़ा आएगा आपको इस जर्नी में। फ्रेंडलीनेस, हाँ, आपके पर्सन को हर एक चीज़ का अवेयरनेस आ रहा है धीरे धीरे, हर एक चीज़ का अवेयरनेस आ रहा है उनको, हर एक चीज़ें समझ में आ रही है उनको, ऊपर वाले पे विश्वास हो रहा है। अब उनको ये समझ में आ रहा है कि उनका एग्जिस्टेंस, हमको लगता है ना यार, हम क्यों बनाए गए हैं, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारा सोल पर्पस क्या है, हम इसी के चक्कर में रह जाते हैं। लेकिन जब टाइम आता है तभी आपको समझ में आएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, ठीक है। आपके पर्सन को अवेयरनेस आ रही है, आपके पर्सन को बिल्कुल विश्वास हो रहा है क्रिएटर के ऊपर, कि ऊपर वाला जो कर रहा है डिवाइन, जो कितने भी मैस्कुलिन्स की कैसी भी एनर्जी रहे, लेकिन उनको पता है डिवाइन जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। सब चीज़ों का अवेयरनेस आ रहा है और आपके पर्सन आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपके पर्सन को लग रहा है, देखिए आप इस कार्ड को ना किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो। दो पर्सन है, बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं है, एक कम्प्लीटली येल्लो है, एक कम्प्लीटली पिंक है, ठीक है। एक मैस्कुलिन समझिए, एक फेमिनिन समझिए। मिलन आप लोग का अभी भी, आप लोगों के बीच में दूरी है, सिर्फ इतना मिलन हुआ है, और इतने मिलन में भी आपको कुछ नहीं मिला है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन ऊपर वाले ने आप लोगों के अंदर इतना मिलन कर दिया, क्योंकि ये मिलन दोनों के दिल में है। हो सकता है आपने कुछ एक्शन से बताया हो, कुछ गेस्चर से बताया हो, लेकिन आपके पार्टनर ने किसी से नहीं बताया, आपके पार्टनर ने किसी से नहीं बताया है। आपके पर्सन को अभी समझ में आ रहा है कि उनका एग्जिस्टेंस क्या है धरती पे, ठीक है। यस, लेकिन अभी भी आपके पार्टनर का जो मेजर मेजर फोकस है वो अपने करियर पर है, अपने करियर पर है, जो उनकी साइकिल चल रही है उस पर है, आपके ऊपर थोड़ा कम है। लेकिन उनके जो भी फ्यूचर में जो भी कुछ होगा या जो भी कुछ वो सोच रहे हैं, आपको लेके सोच रहे हैं। और आपके लिए एनर्जी डेक से देख लेते हैं। ये नंबर 8 मेरी रीडिंग में बहुत बार आता है, नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है,
मजिशियन इन द मिरर, आप दोनों मिरर कर रहे हो, आप रो रहे हो तो वो रो रहे हैं, आप हंस रहे हो तो वो हंस रहे हैं, आप दुखी हो तो वो दुखी हैं, आप बैलेंस करिए अपने आप को, आप बैलेंस करोगे तो वो बैलेंस करेंगे, और विदाउट बैलेंस तो किसी भी कीमत पर यूनियन नहीं होने वाला है। 5, 6, 7, 8, 8 मैंने बोला ना, नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। आने वाले 8 घंटे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 8 दिन इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 8 अगस्त का महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन स्ट्रैटेजी बना रहे, डेफिनेटली स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट नहीं आ सकते हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है ना, बहुत जलन है आपके पर्सन को आपसे। मे बी जैसे मैं समझ पा रही हूँ ना, मुझे लग रहा है कि शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलैरिटी पा रहे हैं, तो जो वो पॉपुलैरिटी आप पा रहे हो, फेमिनाइन जो पॉपुलैरिटी पा रही है, क्योंकि फेमिनाइन में तो मुझे ज़्यादा अवेकेंट लग रही है एज कम्पेयर टू मैस्कुलेंस, क्योंकि मैस्कुलेंस क्यों जलन करेंगे अपनी फेमिनाइन से, मैस्कुलिन को जलन तब होंगी जब उनकी फेमिनाइन को लोग पसंद करेंगे, उन्हें पॉपुलैरिटी मिलेंगी, ऐसा कुछ हो रहा है। अटैचमेंट, आपके पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हैं आपसे, ऐसी अटैचमेंट है जो अनब्रेकेबल है, अनब्रेक। नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हीलर ऑफ द एजेस, आप दोनों हीलर ऑफ द एजेस हो, मतलब दिस कार्ड ट्रूली शोज कि आप में से कोई हीलर है, किसी भी तरीके से हीलर हो सकता है, वो लोगों को किसी भी तरीके से हील कर सकता है, आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं। एंड ये भी पॉसिबिलिटी है मेजर मेजर कि आप लोग कई जन्मों से लोगों को हील करते आए हो। आपके पर्सन देखिए स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, अलग अलग एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, कैसे आपके पास आना है, कितना जल्दी आपके पास आना है, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, क्योंकि आप उनकी लाइफ की ना अनलिमिटेड अबंडेंस हो, वो आपको कहीं जाने नहीं देंगे, इसलिए तो जलन हो रही है। लोग आपको अप्रिशिएट करते होंगे तो उनको जलन हो रही है। टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, उनको पता है उनकी जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी है। यू आर एवरीथिंग फॉर अ पर्सन, अगेन सोलमेट वाइब्स, केयरिंग कनेक्शन, वाओ ब्यूटीफुल, दिस रीडिंग इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। सिचुएशन जो भी है, जैसे भी सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन के बेसिस पर फ्यूचर को डिस्क्राइब नहीं करना है कि नहीं इस कनेक्शन में कुछ नहीं हो सकता, बहुत क्लियर बता रही हूँ, इस कनेक्शन में बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। पॉजिटिव सोचना, अब यहाँ से देख लेते हैं उनके मैसेजेस क्या है, या आप लोग के लिए क्या मैसेजेस है, डिवाइन आप लोग को क्या बताना चाह रही है। मुझे लगता है आपके पार्टनर से आपको हग मिलने वाला है जल्दी, या बहुत सारे हग्स आपको मिलने वाले हैं। ये देखिए डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेम, लव, सब चीज़ें जो हैं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये जो जर्नी है वो शुरू हो चुकी है। इस जर्नी में आपको बहुत प्यार मिलने वाला है, ट्रू लव इतनी आसानी से नहीं मिलता ना, इस जर्नी में मैंने बोला ना एडवेंचर रहने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, वो मज़ा आएगा तब जब आप उस लेवल तक पहुंचेंगे, तो ठीक है अभी अपने ऊपर काम करिए। बहुत हंसी मजाक सब चीज़ें बहुत आने वाली है आपकी लाइफ में, मनी मनी पैसा, मैंने बोला ना शिव जी के बहुत प्रिय होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन से, डिवाइन फेमिनिन, बहुत पैसा होता है इनके पास, बहुत पैसा आता है, बहुत फन आने वाला है, अगेन रिपीट हुआ है, स्ट्रेंथ आने वाली है। ये कनेक्शन हो सकता है, ये कनेक्शन थोड़ा सा समाज से अलग हो, ऐसे कनेक्शन बहुत बार सेम जेंडर में भी होते हैं, ठीक है, और बहुत एज डिफरेंसेस में होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं कि एक अमेरिका में होगा एक इंडिया में होगा, या फिर ऐसे होते हैं एक क्रिश्चियन होगा एक हिंदू होगा, इतने डिफरेंसेस उनमें रहते हैं, या फिर एक मैरिड होगा एक अनमैरिड होगा। टफ लाइफ है राइट, बट जब ये जर्नी शुरू होंगे यू आर गोना एंजॉय, जब आप लोग का यूनियन होगा उससे बड़ा कुछ नहीं है लाइफ में, ठीक है, दैट इज ट्रू लव। ब्लेसिंग्स आने वाली है इस कनेक्शन में, तो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी है मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन के दिल में भी आपके लिए बहुत ब्लेसिंग। जैसे फिर जो एनवी का कार्ड है ना, ये मुझे थोड़ा सा पता नहीं, आई डोंट नो, हंसी दिला रहा है, जहाँ आप दोनों को पता है आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, जलन तो होनी ही नहीं चाहिए ना, वो भी मैस्कुलिन जलन कर रहे हैं, इट्स सो स्ट्रेंज। फ्रेंड्स ये थी आज की छोटी सी रीडिंग, आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का आप देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज़।